हाँ देखो ऊपर में जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा हाँ वही दादा सर क्या बोलते हैं? ये तो मनोकामना वाला है। अच्छा मन से आप लोग विचार से उठा। अच्छा 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 मतलब पूरा उंगली फंसाना है कि कैसा करना है? तीन उंगली तक होना है। अच्छा ये होगा पांच से पूरा में उठा के तो पांच। हाँ ठीक है बाबा जय उठा दो तीन बार कर सकते हैं। तो दादा ये थोड़ा मुझे इसको जानकारी दीजिए आप। कैसा जानकारी? माने ये कब से है? ये तो उसी समय से पहले से। और कौन लाके इसको स्थापना किया है? ये पहले वही लोग स्थापना किए थे। अच्छा अच्छा कटुआ आता था यहां, यहां एक साथ पूरा करके यहां ऐसा बिठा दिया। अच्छा तब से चल रहा है। ये पत्थर सब पुराना है, ये झाड़ था यहाँ। हाँ सब यहाँ जंगल था। अच्छा अभी तो सब बन गया, बाउंड्री भी नहीं बना था। इधर पुलिया बनने से इतना लोग भागा आ रहे हैं। आ रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं था इधर दादा, तो जंगल था। सिर्फ हफ्ता में एक दिन यहाँ पूजा होता था बाबा। अच्छा अच्छा बाकी दिन यहाँ नंदला में पड़ा रहा जंगल। हाँ हाँ अभी सब जानकारी होते जा रहा है, सब एक कर रहे हैं, सब आते जा रहे हैं। और जब से जिला बना तब से थोड़ा सा इधर आने की रास्ता नहीं रहता था पूजा के लिए। अच्छा सही बोल रहे हैं। तो भैरम बाबा भी माने माता जी का पति है? हाँ पहले से है, है ना। अच्छा इनको भी काफी साल हो गया होगा। पहले से 10वीं बार सदी से है, है ना। तो बहुत पुराना है। पुराना है अभी का तो है ही नहीं। उस टाइम तो यहाँ पे जंगली था, जंगली रहा। उस टाइम राजा भी नहीं आया था है नहीं। तब से है फिर सही है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ दंतेवाड़ा और माँ दंतेश्वरी का आज मैं दर्शन कराऊंगा और उनके बारे में सारी चीज़ें जानकारी दूंगा। भैरव बाबा को भी दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा और जो माता जी का जो चरण पादुका है उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं मंदिर के अंदर में और आपको मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें बताऊँगा। और तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। सुंदर माँ का बगिया और इतना प्यारा सा मंदिर, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और माता का तो भाई बात ही अलग है, तो साक्षात देवी बैठी है तो बहुत अच्छा है। बहुत किस्मत वाले हैं जो बस्तर से जगह में पैदा हुए, जन्म लिए उनके पावन भूमि में। और इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ बैठे रहे और कुछ नहीं इसके अलावा। श्री श्री 1008 और ये जो खंभा देख रहे हैं ये गरुड़ महाराज का है, इनका भी कुछ स्टोरी है। पत्थर पे अगर दोनों हाथ पीछे आ गया तो उसकी मुरादी पूरा पूरा होता है। तो आइए देखते हैं हम आजमा के कि हमारा मुरादा पूरा होता है कि नहीं होता। तो किसी पेड़ में चढ़ने से पहले या किसी पत्थर छूने से पहले उसमें भी देवी रहता है, देवी का वास होता है। तो उसको आइए हम पैर छूते हैं और उसके बाद में इसको फिर आगे कार्यक्रम करते हैं। तो चलिए जैसे मटराई मारते हैं, आइए देखिए। क्योंकि इसमें साक्षात भगवान का वास है, लेकिन अब मैं तो आगे तक नहीं पहुंच रहा। उसको ऐसा लपेट लेता हूं और लपेट के बाद देख लेता हूं। हाँ पहुंच गया, इसमें पहुंच रहा है लेकिन ऐसा नहीं पहुंच पा रहा। अभी मंदिर बन रहा है, निर्माण हुआ है मंदिर का, जो रिपेयरिंग काम चल रहा है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना।
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, और नवरात्रि के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा, इतना भीड़ रहता है कि जगह नहीं रहता है पैर रखने के लिए, इतना भीड़ रहता है। तो दोस्तों आगे इसी रास्ते पर पहुँचेंगे भैरव बाबा का मंदिर, तो पहले माता जी का पादुका का दर्शन कर लिया जाए। आइए मैं कराता हूँ माता जी का पादुका का दर्शन। दोस्तों आइए माता जी का बग्घा दिखाता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे मैं, जहाँ पे उनका चौड़ा पादुका है, तो वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे दर्शन दी थी अपने भक्त को। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो पत्थर है और ये उस जगह है जहाँ पे भैरव बाबा खड़े हुए थे पत्थर में। तो उनका ये है, तो मेरे हाथ में ढाई बीता मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए एक, अरे दो, मैंने दो बीता इसमें मेरे हाथ में आ रहा है। तो सोचो जब इतना दो बीता उनका जो पैर का जो पादुका है, चरण पादुका, तो आदमी कितना लंबे थे वो, है कि नहीं? बहुत लंबे थे ना, मतलब 6-7 फीट के थे वो। तब तो दो बीता उनका मेरे हाथ में दो बीता है उनका, है ना। तो दोस्तों देखिए कि पहले के लोग कितने शक्तिशाली थे और कितने माने क्रमश थे वो लोग, है ना। तो उनसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने शक्तिशाली होने के बाद में भी कितने लंबे हाइट थे और कितने लंबे चौड़े थे वो, है नहीं। दादा कौन सा नदी है ये डंकनी है। तो दोस्तों ये नदी है, डंकनी है, और संकनी में लाल पानी आता है। नहीं नहीं, ये डंकनी में लाल आता है। अच्छा, डंकनी में लाल आता है, कैंडल वाला पानी। अच्छा, रमडीसी वाला है इसमें। अच्छा, बहुत। और दादा यहाँ से भैरव मंदिर कितना दूर होगा? ये ज्यादा दूर नहीं। अच्छा, पास ही में है। चलो ठीक है, दुकान है जी, दुकान के सामने। अच्छा, ये भाई ये झारखंड थोड़ा पड़ता होगा ना। हाँ हाँ, ऐसा टर्निंग उड़ जाएंगे तो मंदिर में आगे में। तो दोस्तों चलिए आपको मैं भैरव बाबा का दर्शन कराता हूँ, तो बहुत मजा आएगा अभी। चलो ठीक है दादा। हाँ, हमेशा काट रहे हैं। अच्छा, खोलूंगा। खत्म।
दोस्तों ये भी घर का पेड़ है और यहाँ भी मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए चुन्नी बांधा जाता है। आप देख सकते हैं चुन्नी इसलिए बांधा जाता है कि यहाँ भी मन्नतें पूरी होती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो ये बड़ का पेड़ है और ये भैरव मंदिर है बाजू में, भैरव बाबा का मंदिर है। तो इनका जो इतिहास में है बहुत पुराना है, अब इनका देख सकते हैं बाउंड्री वाउंड्री देख कितना पुराना है, इनका ढलाई देख सकते हैं, छत देख सकते हैं कि कितना पुराना है। और सामने तो बैठी है माँ दंतेश्वरी, तो इनके पूरा सिस्टम पूरा बस्तर जिला है, यहाँ की आराध्य देवी है वो माँ दंतेश्वरी। तो दोस्तों ये है मेन गेट माता जी का, अंदर घुसने का गेट है। तो उसके बाद देखिए आपको दिखाता हूँ ये पूरा बाहर का नज़ारा। और उसके इस पार है आप देख सकते हैं पुलिया है, ये है नदी, ये पुलिया है, गाड़ी वाड़ी जा रहा है। आप देख सकते हैं नदी का नज़ारा, ये और अपना बाहर निकलते हैं दोस्तों, बाहर का नज़ारा। और माता जी का मंदिर तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है माता जी का मंदिर।